अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा 101वीं लड़की की जटा से दिलाई मुक्ति। आज भी महाराष्ट्र में अजब गजब अंधश्रद्धा प्रथाओं का चलन किसी की वजह से लड़कियां महिलाओं को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जिसमें एक प्रथा है जटा की, जिससे लड़कियों और महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसी ही मामला मुंबई के मालाड में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा 101वीं लड़की की जटा से मुक्ति दिलाई गई। लड़की ने 16 साल से जटा को संभाल कर रखा था। जटा की लंबाई 6 फुट 5 इंच के लगभग हो गई थी, जिसकी वजह लड़की ठीक गर्दन घुमा ही नहीं पाती थी और ना ही सो पाती थी। ऐसा बाबाओं का द्वारा कहा जाता है कि लड़कियों पर देवी का प्रकोप है। अगर लड़कियां अपने बाल जो कई सालों से संभालने की वजह से कई फुट लंबे और छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लड़कियों को डराया जाता है कि अगर वो अपनी जटा को काटेगी तो उनके घर में अनर्थ हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी या धन की हानि होगी और देवी रूठ जाएगी, जिससे लड़कियां या औरतें अपने जटा को नहीं काटती। महाराष्ट्र में अब तक 101 लड़कियों और महिलाओं को जटा से मुक्ति दिलाई गई, जिसमें 80 से ज़्यादा महिलाएं शादीशुदा थीं। अब जटा निकालने के बाद 4 लड़कियां जॉब कर रहे हैं। 11 साल की लड़की जटा की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। 2 लड़कियां जिसने शादी जटा निकालने के बाद उनकी शादी हो पाई। जो लड़कियां कुंवारी थी उनकी शादी भी तैयारी चल रही है। जट ही मतलब भगवान का रहता है ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन वो कुछ नहीं रहता है। जो जटा रहता है वो काटना चाहिए और बहुत साल इंतजार नहीं करना चाहिए इसके लिए। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी बहुत हल्का लग रहा है। अच्छा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह से लोग जट पड़ा के रखते हैं? मतलब जट निकालना ही चाहिए क्योंकि तकलीफ होती है बहुत, सर वगैरह हिलाने की वहाँ सोने इसके लिए खूब तकलीफ होती है। बाकी भगवान भगवान का जो रहते नहीं, भगवान वगैरह अभी कुछ नहीं लगता है, वीडियो वगैरह देखे इसके लिए। ओके, थैंक यू। ये जो जटरती है इसका शारीरिक मानसिक उस व्यक्ति पे बहुत सारा परिणाम होता है, मगर वो उनको समझता है मगर वो किसी को दिखता नहीं है ज्यादातौर पे, क्योंकि डर रहता है, भगवान का डर रहता है, समाज का डर रहता है, इसके लिए वो लोग तैयार नहीं होते। मगर ऐसे जो बालों में जट रहती है जब छोटी रहती है तभी निकालनी चाहिए, नहीं तो ज्यादातौर पे उनके मन में अंधश्रद्धाएं फैली जाती है। और बहुत सारे लोग उनको ही बोल रहे थे अगर आप ये जट कट करते हैं तो आपके घर का कोई तो आदमी मर जाएगा, बच्चों के ऊपर इफेक्ट होगा, घर का कुछ तो होगा, आर्थिक प्रॉब्लम हो जाएंगे, और यही डर की वजह से ये लोग जट निकालने के लिए तैयार नहीं होते। मगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से जहाँ पे कई ये लोग दिखाई देते उन लोगों को काउंसलिंग किया जाता है, और काउंसलिंग के माध्यम से हम लोगों को ऐसा नहीं है 1-2 दिन में काउंसलिंग किया और जट निकालते, ऐसे नहीं होता है। 2-2 साल तक हम लोगों को फॉलोअप करना पड़ा है। कभी कभी वो लोग हमें मारने के लिए आते हैं, गालियां देते, मगर वो हमें फूलों जैसे लगते हैं, हमें उसका कुछ नहीं, क्योंकि हमें उस औरत को उस लड़की को ये जट से निकालना है। इसलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का काम करती है। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबा की वजह से ये सब प्रकार ज्यादा होते जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है आप सभी को? ये ढोंगी बाबा की वजह से ही ज्यादातौर पे फैला जाता है। जो जादू टोना विरोधी एक्ट है इसके हिसाब से अगर किसी को धमकाया जाता है अगर तूने ये कट किया तो तुम्हारे घर का कोई मर जाएगा, नहीं तो पैसे लेते हैं, तो ये कानूनी कार्रवाई कर सकते। मगर हमें ऐसा अनुभव आया कि पुलिस वाले ये केस दर्ज नहीं करते कहीं पे भी, मगर ये करना चाहिए। जो एक्ट है उसका ठीक तरह से अमल बजानी होनी चाहिए, वो होती नहीं है, इसलिए ढोंगी बाबा का ये काम ज्यादा फैल रहा है। और ये काम करने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इन लोगों को लेके पुलिस के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कोई आता नहीं है, मगर सामने लेके जाते हैं तो फिरियाद दाखिल नहीं किए जाते हैं। मगर पुलिस वालों ने इनकी ओर ध्यान देना है, जो शासन है प्रशासन है उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसी की वजह से जो देवदासी प्रथा है, जो प्रथा है अभी तक चालू है, चुपी तरीके से चल रही है, वो कहीं पे तो देखना चाहिए कि क्या चल रहा है ये, और बंद होना चाहिए, यही हमारी मांग है। अब तक आपने ऐसे कितने लोगों का जटा कटा है और
कहाँ कहाँ के कौन कौन से जिले में इस्तेमाल? देखिए मैंने 108 की जो जट निकाली 101 है और 92 जो जट निकाली है वो है पुणे डिस्ट्रिक्ट के पूरे है 92 और बॉम्बे के है 4 लोगों की निकाली है मैंने, रत्नागिरी के 2 लोगों की निकाली है, सातारा की 1 है। ऐसे हर जगह पे बहुत सारे जगह पे ऐसे औरतें हैं मगर वहाँ तक जाना चाहिए। हर लोगों ने जो पार्लर वाले रहते हैं, मुझे यही पार्लर वालों को भी बोलना है कि आपके पार्लर में अगर ऐसी पीड़ित आती है तो उसको उससे जट कट करके उसको उससे दूर करना चाहिए मगर वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। जो जट आपने निकाला वो कितने दिनों का था और क्या उसका वजन वगैरह? ये 3-3.5 किलो का था आज का जट और 16 साल से उसके सर में ये था और इसको इतना शारीरिक तकलीफ होती थी मगर वो डर के मारे से, अगर आप उसको पूछेंगे तो वो बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं है, होता है मुझे उसके कुछ भी है नहीं है क्योंकि उसकी आदत लग गई है, वो ठीक तरह से सर हिला नहीं सकती है। अभी भी अगर इसकी जट निकालिए तो बहुत दिनों तक वो सर नहीं हिलाएगी। क्या कुछ उन्होंने बताया किस वजह से रखा था आज? भगवान का डर रहता है, समाज का डर रहता है इसकी वजह से, मगर ये लोग है अच्छा है कि ये किसी बाबा बुआ के पास नहीं गए। देखिए कि ये जट इतनी बड़े पैमाने पे हमारे समाज में हो सकती है, बंबई जैसे शहर में हो सकती है, ये हमने से बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, पर नंदिनी जाधव ये जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की पुणे जिले की कार्याध्यक्ष है, उन्होंने अभी तक इस तरीके से 101 महिलाओं को इस तरीके की जो जटे होती है उससे मुक्त किया है। तो मेरे ख्याल से हम सबका ये चाल चलन रहता है कि अगर ऐसे कोई दुख हमारे नजर में आए तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने निजी जिंदगी के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। पर मेरे ख्याल से आज के केस के बारे में जो हुआ कि ये जो लड़की थी उसके शिक्षक थे उसके स्कूल के, वो शिक्षक उस संस्था के संस्थाचालक, उसके घर के लोग, नंदिनी मैम, महाराष्ट्र अनिसर के और सारे कार्यकर्ता, प्रसार माध्यम, ये सब मिलके जुड़ के ये मुद्दा उठाया और लोगों तक भी, आप जैसे लोगों तक भी अब ये पहुंचता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज है कि भगवान के नाम पे लोगों के मन में खौफ फैलाना, डर फैलाना, अभी इसके घर वाले भी बोल रहे थे उन्होंने क्यों नहीं काटी ये जट, तो उन्हें डर लग रहा था और लोगों ने वो डर उनका बढ़ाया कि अगर आपने ये काटी तो कुछ बुरी बात घटेगी क्योंकि ये भगवान की देन है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस तरीके का जो खौफ और डर भगवान के नाम पे फैलाया जाता है उसके सख्त खिलाफ है और ये आंदोलन छेड़ती है।